हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो यार, आज होंडा कंपनी ने अपनी बाइक होंडा साइन 100 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इसी बाइक के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ कि जो बाइक है मुझे कैसी लगी और क्या आपको ये परचेस करनी चाहिए फिर नहीं, और इस बाइक की राइड क्वालिटी कैसी क्या रहने वाली है इस वीडियो में भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यार, ये जो बाइक लॉन्च की गई है होंडा की, होंडा साइन 100, ये देखने में साइन से कम इंस्पायर लग रही है और होंडा सीडी 110 से ज़्यादा इंस्पायर लग रही है। इस बाइक को जो देखने में डिज़ाइन वगैरह लग रहा है, जो उसके ग्राफिक्स हैं, काफ़ी हद तक होंडा सीडी 110 होंडा ड्रीम युगा के जैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है इस बाइक का इंजन। इस बाइक में आपको 100cc का न्यू इंजन देखने को मिलेगा, जिसका रिफाइनमेंट और जो स्मूथनेस है काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि होंडा के जो इंजन होते हैं काफ़ी अच्छे और काफ़ी रिफाइन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन हो गया या फिर रियर सस्पेंशन या फिर टायर साइज या ब्रेकिंग, जो भी चीज़ यूज़ की गई है होंडा की इस न्यू बाइक होंडा साइन 100 में, सेम वही की गई है जो होंडा सीडी 110 में यूज़ की जाती है और जो होंडा ड्रीम युगा में यूज़ की जाती है। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, बस जो चीज़ नई है वो है सिर्फ और सिर्फ इंजन। इसके अलावा जो मीटर कंसोल है वो भी इस बाइक में आपको यहाँ पे एनालॉग में ही देखने को मिलता है। इसमें स्पीड और आपको जो पेट्रोल का मीटर है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल कोई भी स्क्रीन आपको देखने को नहीं मिलती होंडा लीवो की तरह। इसके अलावा एक और चीज़ की कमी है यहाँ पे, ये जो बाइक है इसके अंदर आपको इंजन किल स्विच भी देखने को नहीं मिलता है। इंजन किल स्विच नहीं इस बाइक में, जो कि यहाँ पे थोड़ी होंडा की तरफ से कॉस्ट कटिंग की गई है। इसके अलावा जो सीट वगैरह है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी वाइड है, बाकी चीज़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंजन किल स्विच नहीं दिया है। इसके अलावा जो यहाँ पे हेडलाइट यूज़ की गई है वो भी यार हेलोजन हेडलाइट यहाँ पे यूज़ की गई है, जो कि ड्रीम 110 में और होंडा सीडी 110 में आती है। तो यहाँ पर भी कोई नई चीज़ होंडा ने नहीं की है, सेम पुराने वाला हेडलाइट यहाँ पर दिया है। और यहाँ पे इस बाइक में DRL तक भी नहीं दिया होंडा कंपनी ने। आजकल सभी बाइक में DRL आता है यार, कोई भी छोटा सेगमेंट की बाइक ले लो, कम्यूटर सेगमेंट की, उसमें आपको DRL देखने को मिल जाता है, लेकिन होंडा की इस न्यू बाइक में आपको वो भी देखने को नहीं मिलता। बात करें यहाँ पे राइड क्वालिटी की, तो देखो यार, राइड क्वालिटी में कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही पुराने वाले सस्पेंशन है, तो राइड क्वालिटी आपको सेम देखने को मिलेगी। और इंजन वगैरह न्यू है, लेकिन इंजन तो यार होंडा के पहले से रिफाइन आते हैं। होंडा का कोई भी इंजन ऐसा नहीं है जिसमें आपको वाइब्रेशन वगैरह देखने को मिले। तो यहाँ पर जो इसकी राइडिंग होने वाली है काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी राइडिंग होने वाली है, और जो ब्रेकिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि होंडा की जो ब्रेकिंग होती है काफ़ी अच्छी आती है। और ये जो बाइक है आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इंडिया में अपने सभी शोरूमों में देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद इसका रियल माइलेज टेस्ट और रियल फर्स्ट राइड रिव्यू भी आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं। और यहां पे माइलेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। होंडा कंपनी ने यहां पर माइलेज को लेकर कोई भी क्लेम नहीं किया है। अभी जो बाइक लॉन्च इवेंट हुआ था, कहीं पर भी होंडा ने ये क्लेम नहीं किया कि बाइक माइलेज कितना देगी। जहाँ तक मेरे को लग रहा है, ये जो बाइक है 70 से 75 तक का माइलेज देगी, क्योंकि यार ये जो बाइक है एक कम छोटे इंजन के साथ आई है और यहाँ पे जो इंजन है काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो माइलेज है 70 से 75 तक का रहने वाला है। 70 से 75 का माइलेज आपको इस बाइक में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब एंड में मैं ये बात करना चाहूँगा, क्या इस बाइक को परचेस करना चाहिए, क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो देखो यार, बात ऐसी है, होंडा कंपनी ने काफ़ी समय बाद कोई न्यू बाइक लॉन्च की है, कुछ नए इंजन के साथ बाइक लॉन्च की है, और पहली बार ऐसा हुआ है, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि होंडा कंपनी ने किसी बाइक की प्राइस कम रखी है। नहीं तो आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, इनकी जो बाइक आती है ना कॉस्टली आती है, लेकिन इस बार होंडा ने काफ़ी कम प्राइस पर काफ़ी अच्छी बाइक लॉन्च करी है। और यहाँ पे इसकी जो एक शोरूम प्राइस है 65,000 इसकी एक शोरूम प्राइस रखी गई है, और ऑन रोड जब ये बाइक जाएगी तो अराउंड मान के चल सकते हो 75,000 के अराउंड आपको ये बाइक ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। स्प्लेंडर के कंपेरिजन में बात करें तो एक शोरूम में ये 7 से 8 हज़ार रुपये स्प्लेंडर से सस्ती है, तो ऑन रोड में मान सकते हो आप 10,000 रुपये सस्ती आपको मिलने वाली है स्प्लेंडर से ये। और HF डीलक्स से इसका कंपेरिजन करें तो HF डीलक्स से अप्रोक्स ये 4 से 5 हज़ार रुपये आपको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जो HF डीलक्स है 70,000 में ऑन रोड आपको मिल जाती है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे होंडा कंपनी ने अपनी ये बाइक होंडा साइन 100 लॉन्च की है। और यार फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे बाइक काफ़ी अच्छी लगी है। हालांकि जो चीज़ें हैं वो कुछ नई नहीं है, बस इंजन यहाँ पे नया है, बाकी जो बॉडी वगैरह यहाँ पे देखने में सीडी 110 जैसी लग रही है, ग्राफिक्स भी पहले जैसा ही लग रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, लेकिन जो इंजन है वो काफ़ी नया इंजन है और एक नए फ्रेम के साथ यहाँ पे इस बाइक को होंडा कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि यार काफ़ी हल्की बाइक रहने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी उम्मीद है मुझे कि जो बाइक है काफ़ी अच्छी रहेगी।
और जैसे ही ये बाइक शोरूम में आती है, इस बाइक के सारे वीडियो, राइड रिव्यू का, वॉक राउंड रिव्यू, माइलेज टेस्ट, टॉप स्पीड, सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। और यार मैं सोच भी रहा हूँ क्यों ना यार इस बाइक को परचेस कर लिया जाए, क्योंकि अपने पास एक बाइक है होंडा S125 जो कि काफ़ी अच्छी है और उस सेगमेंट की बेस्ट बाइक है। तो यार मैं सोच रहा था कि इस बाइक को भी परचेस कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी बाइक लग रही है मेरे को देखने में। तो यार कमेंट करके बताओ बाइक को परचेस करें या फिर नहीं। तो बस यही सब कुछ था आज के छोटे से वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको होंडा साइन 100 से रिलेटेड सारे वीडियो देखने को मिल जाए। और अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप डिटेल से मेरे से कोई भी बातचीत कर सकते हैं किसी भी बाइक के बारे में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।